नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कोविड 19 की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन आज मुझे भी ये पहली बार पता चला कि कोविड 19 और कोरोना वायरस जो है इसमें क्या अंतर है, क्योंकि इससे पहले हम कोविड 19 कोरोना वायरस एक ही समझते थे। कोई पॉजिटिव आता था उसे भी कोविड 19 बोल देते थे, कोरोना वायरस पॉजिटिव है ये है। इसी पर हम आज ये जो इसमें एक धारणा जो है जो एक जैसी चल रही है उसमें क्या अंतर है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ SSP कठुआ शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये MD भी हैं, यानी कि इन्होंने डॉक्टर हैं ये। इन्हीं से हम जानेंगे कि कोविड 19 और कोरोना वायरस में क्या अंतर है। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या अंतर है सर कोविड 19 और कोरोना वायरस में? देखिए, जो नोवेल कोरोना वायरस है ये एक वायरस का नाम है जी। तो जब हम कोरोना पॉजिटिव बोलते हैं किसी को, तो हमने कहीं उसका नेजो म्यूकोजल सैंपल जब किया है और उस नेजो म्यूकोजल सैंपल में नोवल कोरोना वायरस का RNA डिटेक्ट हो जाता है, तब हम ये बताते हैं कि भाई ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो उसे कोरोना पॉजिटिव कहा जाता है। अब इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि ये बीमार है, बीमारी और इन्फेक्शन में फर्क होता है। जैसे HIV इन्फेक्शन और एड्स में फर्क है। वन पर्सन कैन बी HIV पॉजिटिव बट ही माइट नॉट हैव एड्स, ओनली वेन ही डेवलप साइंस एंड सिम्टम्स इट विल बी कॉल्ड एज एड्स। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी HIV इन्फेक्टेड रहते हैं बट उनको एड्स कभी नहीं होता। सिमिलरली कोरोना पॉजिटिव जो बंदा आ जाए तो जरूरी नहीं कि वो कोरोना वायरल डिजीज की तरफ जाए। कोविड जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो किसी को सर्दी खांसी उल्टी जुलाब शुरू हो जाए, उसको हाई फीवर आ जाए और साथ में वो कोरोना पॉजिटिव भी हो, ऐसे केस में उसे कोविड कहा जाता है। अच्छा, तो कोविड की स्टेज तक बहुत कम लोग जाते हैं। आज हमारी रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 38% है पूरे इंडिया की, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं बिना कोई सिम्टम डेवलप हुए। मैं कठुआ की बात आपको करूं तो हमारे पास 31 कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, उनमें से एक केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया बिना कोई सिम्टम डेवलप हुए। तो मैं बड़े सिंपली ये बता सकता हूं कि वो कोरोना पॉजिटिव था, वो कोविड नहीं था और अब वो कोरोना नेगेटिव है। अब ही इज एज गुड एज यू एंड मी। मतलब कोविड और कोरोना ये पॉजिटिव, इसमें अंतर होता है। हाँ, ये स्टेज है। यू कैन नॉट, पहली स्टेज कौन सी होती है? फिर ये पहला स्टेज होता है इन्फेक्शन का। आप पहले इन्फेक्ट होंगे, आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन मिलेगा, या तो आप सीधे RNA को टेस्ट कर रहे हैं वायरस के, या आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं वो ब्लड के थ्रू भी आप उसकी सैंपलिंग कर सकते हैं, उससे भी पता चलता है कि आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज इज द इन्फेक्शन, द सेकेंड स्टेज इज द डिजीज, एंड द थर्ड स्टेज इज ऑब्वियसली या तो आप उस डिजीज से क्योर होंगे या वो डिजीज से आपकी फर्टिलिटी होगी। तो पहले स्टेज से जरूरी नहीं कि कोई दूसरे या तीसरे स्टेज की तरफ जाए, पहले स्टेज से ही रिवर्सल हो सकता है। आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव हो गए बिना बीमार हुए। अच्छा, तो वी डोंट हैव टू बी वरीड मच अबाउट कोरोना पॉजिटिव्स। हमें जो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, वो ध्यान देना है कि हम कोविड को कैसे ट्रीट करें। हमारे पास कितने कोविड वेलनेस सेंटर्स होंगे, हमारे पास कितने कोविड केयर सेंटर्स होंगे, हमारे पास कितने कोविड हॉस्पिटल्स होंगे। तो सर, ये जितनी जो विश्व भर में जो डेथ हुई है, डेथ वगैरह हुई है या हमारे हिंदुस्तान में, ये कोविड के कोविड्स, मतलब ये पॉजिटिव वाले सिम्टम्स, मतलब उसमें नहीं कहा जा सकता कि हाँ मैं अगर मुझे मैं पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव हो गया तो इससे मतलब डेथ नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि मेरा थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होगा। देखिए ना, हमने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर UT का अगर आंकड़ा देखें आप, तो वी हैव लाइक क्रॉस 1000 केसेस लॉन्ग बैक ना, और हमारी नंबर ऑफ डेथ्स इज हार्डली इन 2 figures, वो भी 12 है, और उसमें से जो सीवियरली इल थे वो हार्डली 10 के आसपास लोग थे, 2 तो खैर इतने सीवियरली इल थे भी नहीं। अभी भी जितने भी हजारों की संख्या में जो हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से बहुत छोटे मात्रा के लोग, विद अ वेरी स्मॉल परसेंटाइल पीपल आर सिम्टोमेटिक। मैं अगर कठुआ की आपको बात करूं तो सारे के सारे एसिम्टोमेटिक हैं। अच्छा, किसी में एक को भी कोविड नहीं, सबको कोरोना पॉजिटिव वो लोग हैं, बीमारी किसी को नहीं है। तो ये जो संभ्रांति एक फैली है कि नहीं जी कोरोना अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बीमारी के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, ये टोटल गलत फहमी है। सर, ये कैसे, मतलब ये जहन से कैसे निकाला जाए, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है और जो हमारा समाज है वो भी इस बीमारी को बड़ा एक अछूत की तरह ले रहा है।
कि अछूत वाली बीमारी है, अगर पॉजिटिव हो गया, सपोज मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मैं तो फिर वो तो मुझे कोविड और ऊपर ही भेज देगी, अब ये बचेगा नहीं। चलिए यही है बाब, सबसे पहला कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, यू नो बहुत सारी जानकारियां लोग अनवेरीफाइड सोर्सेज से लेते हैं, को नहीं लेना चाहिए। WHO के साइट्स हैं, WHO ने बड़े क्लियरली डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसने कोरोना वायरस का एक अलग डेफिनेशन दिया है, पॉजिटिव का अलग डेफिनेशन दिया है, कोविड का अलग डेफिनेशन दिया है। बट चलें उतनी ज्ञान की बातों में भी ना जाएं, सिंपल तरीके से रहें। तो सिर्फ समाज को इतना बताना है कि जैसे आज हमारे 31 केस हैं, 31 में से एक पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, बचे हुए 30 केसेस में एक को भी कोई सिम्टम नहीं है, यानी कोई भी उन 30 में से बीमार नहीं है, सिर्फ उनके बॉडी में वायरस प्रेजेंट है। और सब कुछ सही रहा तो अगले 14 दिन में बिना किसी ट्रीटमेंट के शरीर की अपनी आत्म शक्ति से वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाएंगे। और ऐसे कितने भी लोग हैं, ये तो खाली नोन फैक्ट्स है ना, ये तो जितना हमने टेस्ट किए होंगे उनमें से हमें मिले, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें वो वायरस गया भी होगा, वहां पे इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो गया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम एक रैंडम सैम्पलिंग करें 100 लोगों की फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, तो मुझे यकीन है कि बहुत लोगों में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, यानी उनको इन्फेक्शन हुआ था, वो बीमार नहीं पड़े, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो गई और वायरस उनकी बॉडी से चलता बना। तो अगर भविष्य में आएगा तो वो बिल्कुल नहीं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी, जब एक लार्ज पॉपुलेशन में ये इम्यूनिटी अपने आप बिना उस पॉपुलेशन को बीमार किए वो डेवलप हो जाती है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि जितनी भी ये बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं, चाहे प्लाग की आई हो या आपके कोलेरा की आई हो, सिफिलिस की आई हो, ये सारे के सारे हर्ड इम्यूनिटी से ही ट्रीट हुए। ये तो उस मुकाबले में बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, वहाँ पे तो कुछ बीमारियां ऐसी थी जहाँ 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन गॉट वाइप्ड अवे। हमारे तो जो डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड वो अब जाके कुछ लाख का, दो तीन लाख के आसपास पहुंचे हैं। अदरवाइज आप देखें तो वी शुड नॉट बी टू फियरफुल अबाउट इट। व्हाट वी शुड बी फियरफुल अबाउट इज जो हमारे एल्डरलीज हैं, जिनको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उनकी बॉडी में उतना इम्यून सिस्टम नहीं है। ओल्ड एज अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी को पहले से कोई बीमारी है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन है, मे बी पहले से कोई दवा ले रहे हैं, किडनी के डिजीजेज हैं, उनको खास करके सावधान रहना ज़रूरी है। हेल्दी आदमी को कोरोना से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेलकम थिंग टू सर्टेन एक्सटेंट। और सर कोई संदेश? संदेश यही है, आई मीन कोरोना आपने देखा जगह जगह जो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं, पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, मोहल्ले वाले उन पर फूल माला डाल के उनका स्वागत कर रहे हैं। इस भावना को और फैलाइए, जो कोरोना ग्रसित है वो हमारे सिंपति का, एम्पति का जरूरत नहीं है उसको, उसको रिस्पेक्ट की जरूरत है। वो हमारे बीच का एक व्यक्ति है जिसके अंदर वो वायरस प्रेजेंट है, उसको उस फाइट में मदद करिए, उसको 10-12 दिन एक अच्छा माहौल दीजिए, उसको खुश रखिए, उसके घर वालों से संबंध मत तोड़िए। आइसोलेशन ठीक है, आइसोलेशन ज्योग्राफिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। आप उनको इमोशनली आइसोलेट मत कर दें, आप ज्योग्राफिकली करें, हाँ भाई 4 फुट पे खड़े रहें, बट 4 फुट से प्यार से बात करें, बढ़िया से रहें, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। आते रहे दूसरे को। वेरी नॉट। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कोविड और कोरोना पॉजिटिव में बहुत ज्यादा अंतर है, और ये मत सोचिए कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ तो मैं बहुत बीमार हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वायरस आता है और चला जाता है अगर मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। दूसरा ये भी बहुत सर ने कहा कि आपको अगर उसके साथ दूरी बनानी है तो ज्योग्राफिकली आप उससे दूरी बना के रखिए, और इमोशनली जो है वो उसके साथ रहिए ताकि उसका मनोबल बढ़े। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।